तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जिनका इंतजार किया जा रहा था। हमारे साथ जुड़ गए हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब। भाटी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, काफी देर से आपका इंतजार था, चूंकि सारी चीजें, सारे सवालों का जवाब आप ही की तरफ से आने वाला है। अब तो हालात को आपने देख ही लिया, कुछ दिन पहले आपने एक मीटिंग भी की थी सारे यूनिवर्सिटीज के साथ, और जो स्थिति इस वक्त बनती जा रही है, इसको लेकर सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, और 4-5 महीने अगर हालात ऐसे बने रहते हैं तो अभी तो परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है, आगे क्या कुछ किया जाएगा, कैसे उनको आगे दूसरे कक्षाओं में डाला जाएगा, या फिर जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, फाइनल जो ईयर के बच्चे हैं, उनको लेकर क्या कुछ सोचा गया है? देखिए, कोरोना की जब शुरुआत हुई और लॉकडाउन हमारे प्रदेश सहित पूरे देश में लगा जी, तो उस समय हमारी जो विश्वविद्यालयों की अधिकांश यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं चल रही थी और उन परीक्षाओं को हमें बीच में स्थगित करना पड़ा कोरोना की परिस्थितियों की वजह से जी। और लगभग 3 महीने का समय बीत गया, लेकिन जो बीच का समय था उस समय हमने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को यह आह्वान किया था कि चूंकि विद्यार्थी अब कॉलेज आने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना हमारा दायित्व है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने हमारे सभी शिक्षकों से यह आह्वान किया कि आप वर्क फ्रॉम होम थीम के साथ आप घर बैठ करके और अपने विद्यार्थियों को अपने अपने विषय से संबंधित, अपने यूनिवर्सिटीज, अपनी कॉलेजेस से संबंधित जो जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, जो वो पढ़ रहे हैं, तो वो सारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को लाभ दें जी। उसमें हमने ई कंटेंट्स की शुरुआत की। राजस्थान के हजारों शिक्षकों ने यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से अपने और अपने विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी यदि हम बात करें तो 5 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, और उन विद्यार्थियों को हमने प्रयास किया कि हम घर बैठे उनको शिक्षा का लाभ दे सकें। और लगातार चूंकि अब परिस्थितियां सामान्य अभी भी नहीं हो पा रही है, अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 शुरू हो गया है, पहले हमने ये निश्चय किया था कि हम जुलाई के दूसरे सप्ताह से राजस्थान के यूनिवर्सिटीज की बची हुई परीक्षाएं हैं जी, उनको आयोजित करवाएं, और उसमें फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करवाने का हमने पूरा कार्यक्रम बनाया था जी। लेकिन अनलॉक होने के बाद जो 1 निकला, अनलॉक 2 की 2 में हम लोग चल रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में भी लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं रहे और कोरोना का प्रसार और ज़्यादा बढ़ने लगा। इन परिस्थितियों में हमारे पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों की एक मांग थी कि न सिर्फ विद्यार्थियों की बल्कि पेरेंट्स की तरफ से भी लगातार फीडबैक आ रहा था, मीडिया के माध्यम से ये आ रहा था कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं इन परिस्थितियों में आयोजित करवाना ठीक नहीं है और इन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। देश भर में इस तरह की बात चल रही है। अभी 3 दिन पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के एक विशेष मीटिंग बुलाई, और उसमें इन तमाम परिस्थितियों, क्योंकि यदि हम परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं तो राजस्थान से बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, अभी लॉकडाउन के दौरान अपने अपने राज्यों में, अपने घरों में चले गए जी, तो उन लोगों के आने की समस्या, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी पूरा शुरू नहीं हुआ है। दूसरा, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हॉस्टल्स में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, उन विद्यार्थियों की भी समस्या थी कि दूसरे राज्यों से आकर के या अपने गांव से आकर हॉस्टल में रहना, क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है अनलॉक 2 की, उसमें भी राजस्थान के हमारे शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अभी छूट नहीं दी गई है। तो इन तमाम परिस्थितियों और कोरोना का जो स्प्रेड है, कोरोना का जो विस्तार हो रहा है, संक्रमण जो लगातार फैल रहा है, इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थियों के
स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया जी। कि हमारे राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में बिना परीक्षा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि कोरोना की स्थिति कब सुधरेगी ये कहने की स्थिति में जी प्रमोट करने का निर्णय ले लिया गया है जी। उसमें जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनको छोड़ करके जो सामान्य कोर्सेज हैं, उन सभी सामान्य कोर्सेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय लिया है जी। और इसके निर्देश तो हमने सभी विद्यालयों को एडवाइजरी के माध्यम से जारी भी कर दिया। होते हैं इनको लेकर सर ये होता है कि चलिए ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, आप सरकारें साथ में खड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं उनके पैसे भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लोन लेकर पैसा चुकाए हैं, उनका एक तरफ लोन का दबाव है, दूसरे तरफ लगातार समय बर्बाद हो रहा और उनको ये नहीं पता कि सेमेस्टर पोस्टपोन कर दिया जाएगा या किस तरीके से उनका आगे का साल बीतने वाला है, उनका फ्यूचर होने वाला है। जो बच्चे पास आउट होकर नौकरियों की तरफ जाने वाले थे उनको भी दुविधा है कि अब तो नौकरी मिलेगी नहीं, इंटर्नशिप को लेकर क्या कोई सरकार सहायता करेगी, किसी तरीके से उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा या उनकी जो दुविधाएं हैं उसका समाधान कैसे होगा? देखिए, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके द्वारा एक विस्तृत गाइडलाइन बनाई जा रही है। हमारे MHRD विभाग के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की इन परिस्थितियों में टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के जो विद्यार्थी हैं उनको उनके एग्जाम आयोजित करवाना और इन परिस्थितियों में वो एग्जाम करवाए जाए या नहीं करवाए जाए, इन तमाम बिंदुओं पर MHRD विभाग के द्वारा पूरी तरह से गहनता से विचार किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि कोरोना की जो परिस्थितियां हैं, जो एक असामान्य परिस्थितियां हो गई है और इससे देश का हर विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी तरह के कोर्स में पढ़ रहा है, वो सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो आने वाले में अतिशीघ्र मैं कहना चाहूंगा कि इस संबंध में एक डिटेल्ड गाइडलाइन आ जाएगी और उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार भी हमारे विश्वविद्यालयों के जो VCs हैं, जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, उसको फॉलो अप किया जाएगा, निजी क्षेत्र हैं चाहे हमारे राज्य की। ठीक है सर, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं भाटी साहब और ये सारे लोग दिग्गज हैं, यूनिवर्सिटीज के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। एक एक बार मैं परिचय करवा देता हूं, उसके बाद इन लोगों के भी सवाल है जो आपसे और सरकार से सीधे तौर पर ये लोग पूछना चाह रहे थे और बहुत सारी दुविधाएं हैं, क्योंकि अगर इनकी दुविधाओं का समाधान हो जाएगा तो बच्चों की समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल जाएगा। मेरे साथ डॉक्टर वेणुगोपाल राम है, डायरेक्टर है मोदी विश्वविद्यालय के। इसके अलावा डॉक्टर पंकज गर्ग हैं, फाउंडर है ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय के। श्री ओमकार बगारिया साहब हैं, CEO हैं विवेकानंद विश्वविद्यालय के। इसके अलावा अंकित अग्रवाल साहब हैं, डायरेक्टर गीतांजलि विश्वविद्यालय के हैं। डॉक्टर विनय कुमार चांदना साहब हैं, प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के। मैं चाहूंगा सर आप लोगों में से, डॉक्टर वेणुगोपाल आपकी तरफ से, पंकज गर्ग जी आपकी तरफ से, अगर कोई भी समाधान या कोई सवाल है जो सरकार से आप लोग डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो बारी बारी से आप लोग भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। हाँ, नमस्कार बनवर सिंह साहब। नमस्ते सर, आपका जो जी प्रेस ब्रीफिंग से पेरेंट्स तक पहुंच रहा है और जो लोग ऑलरेडी कुछ दुविधा में हैं, आपका तरह से जो स्टेटमेंट्स जा रहा है वो दे आर गेटिंग एनलाइटेंड। तो अभी राजस्थान में जो बाहर से जो आया हुआ लोग, उन्हीं लोगों के लिए हमारा थोड़ा तकलीफ लग रहा है। उन्हीं लोगों को अभी बाय एयर आने में, बाय ट्रेन आने में, यहाँ कैंपस में तो अभी आना तो मुश्किल है, लेकिन अलग अलग जगह में जो इंटरनेट और क्वालिटी बैंडविड्थ का जो कनेक्टिविटी, वो सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन का तरह से कुछ गवर्नमेंट का तरह से थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोशिश हो जाने से, एक्चुअली ये तो स्टेट लेवल का इश्यू नहीं, पूरा इंडिया का, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आना जाना होता है और नॉर्थ ईस्ट से भी आना जाना होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में एक तकलीफ हमको जो लग रहा है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, क्योंकि हर बच्चे के पास आजकल स्मार्टफोन है, लेकिन कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा इंटरनेट का बढ़ गया, तो हमको डिजिटल में बहुत सुविधा होगा, बच्चों तक सीमलेसली कनेक्टिविटी के लिए काम आ जाएगा सर। तो उसी डायरेक्शन में पूरा पैन इंडिया लेवल में कुछ ऐसा कुछ क्या किया जाएगा स्टेप लेने से, तो क्या किया सकते हैं? भाटी साहब इसका जवाब जी। मंत्री जी, डॉक्टर वेणुगोपाल जी, जो मोदी यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्टर हैं सर, प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ विराजे हैं,
और निश्चित रूप से आप डायरेक्टर हैं, मोदी विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, और आपने जो कनेक्टिविटी की बात कही है, मोदी विश्वविद्यालय में देश भर के, न सिर्फ मोदी बल्कि हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के बच्चे अध्ययनरत हैं। और जो कनेक्टिविटी की जो बात आपने कही है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है, और इसके लिए हमारे जो केंद्र सरकार के हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं इस विभाग के, उनको हमने इस संबंध में पत्र भी लिखा है, और हमने तो ये भी आह्वान किया है कि उनसे निवेदन किया है कि हमारे विद्यार्थी चूंकि अब कॉलेज कैंपस में जाकर पढ़ने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से भी हमारे, क्योंकि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो आज जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो सीधे कॉलेज से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और कई बच्चों के पास तो मोबाइल आदि भी नहीं है, तो रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में, जल्दी से जल्दी हमें उम्मीद है कि हमें उसकी भी स्वीकृति मिलेगी। और जो नेट कनेक्टिविटी की बात है, निश्चित रूप से जो डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने जो बात कही है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि ये केंद्र सरकार से संबंधित टेली कम्युनिकेशन विभाग है, तो उनके माननीय मंत्री महोदय जी को हमने पत्र भी लिखा है, और हम और प्रयास करेंगे कि इन परिस्थितियों में नेट की जो सुविधा है उसका कनेक्टिविटी है इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाया जाए। सर, ये जनता का सवाल भी आया था और मैं बाद में इस पर पूरा आपसे पूरी जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि कई बच्चों ने ये सवाल पूछा था जो राजस्थान के, सर ने तो बोला कि नॉर्थ ईस्ट के और बाहर के जो लोग हैं, लेकिन राजस्थान के बच्चों के लिए दुविधा बहुत बड़ी दुविधा है गाँव ढाणियों में जो है, इसका जवाब लूंगा सर मैं एक एक करके। सवाल सबसे पहले लेता हूँ, डॉक्टर पंकज गर्ग साहब, आप फाउंडर है ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय के, सर आप भी अपना सवाल मंत्री जी से सीधा पूछिए। जी नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि जो स्टेट लेवल के मैटर हैं, मेरे हिसाब से अगर हम इंटीग्रेशन पे थोड़ा ध्यान दे दें तो हमारी काफ़ी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड बीएससी बीएड और बीएड एमएड ये सब चलते हैं, सब जगह चल रहे हैं। अगर हम इन कोर्सों को यूनिवर्सिटी के आसपास या कॉलेज के आसपास जो प्लस टू लेवल टेंथ लेवल के जो आपके स्कूल हैं उससे इंटीग्रेट कर दें और एक क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि 5 या 10 स्कूलों का जो रिजल्ट है उसका अपग्रेडेशन भी हमारे हाथ में होगा, मीन हम उन बच्चों, हमारे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग भी करेंगे, हम उन टीचर्स जो प्लस टू लेवल तक के हैं हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे और हमारे बच्चों की इंटर्नशिप भी हो जाएगी। तो एक जो लोकल गवर्नेंस है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा है कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट करने बच्चों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। तो आप इससे देखेंगे कि एक सामूहिक विकास शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से अभी यूबीए उन्नत भारत अभियान जो भारत सरकार का कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है, अगर जो हमको 5 गांव 10 गांव 10-20 गांव जिसकी जितनी कैपेसिटी उसके पूर्ण विकास की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों को दे दी जाए या उनका समायोजन उसमें कर दिया जाए, तो आगे आने वाली शिक्षा, जब भी कोविड से हमें निजात मिलेगी तो हम इन कामों को बखूबी कर पाएंगे। और जब इस तरह के इन्फेक्शंस रहेंगे कोविड जैसे, तो वो बच्चे जिस भी एरिया में रहते हैं वहां उनको प्रवृत्ति चूंकि हो जाएगी सामुदायिक कार्य करने की, तो वो वहां भी इस काम को कर पाएंगे। हमने एग्जाम्पल बतौर अपने विश्वविद्यालय में इसको करा है, हमारी बिटियाएं जिस क्षेत्र में हैं वहां उनके क्षेत्र के विकास की छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनको दी है और उसका वो लोग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, हम उसी विभाग पर उनके इवेल्युएशन कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो मेरा मंत्री जी से एक तो ये, दूसरा जितना भी डिजिटल हम लोग ई कंटेंट तैयार कर रहे हैं, अब आवश्यकता है कि स्टेट लेवल पर कोई एक पोर्टल बना दीजिए, उस पर हम सबके डिजिटल कंटेंट आप अपलोड करा दीजिए जो ओपन फॉर ऑल होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे जब भी, ऐसा नहीं कि उसके लिए कनेक्टिविटी आज नहीं है तो एक घंटे बाद आ जाएगी, थोड़ा सा एरिया डिफरेंट में जाकर बच्चे अपने मोबाइल में देख सकते हैं, तो वहां
वहां वो उसको उस समय YouTube पे जो मटेरियल है उसे पढ़ पाएंगे बिल्कुल, और हमारी एनर्जी और जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा। ये तमाम सवालों के समाधान का रास्ता मुझे लगता है। रेडियो स्टेशन है जैसे हम विश्व ठीक है सर, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। भाटी साहब इस वाकई में एक दो पॉइंट सर ने बहुत अच्छा बोला है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। आपका जवाब इस पर रिएक्शन। पंकज गर्ग जी ने जो बातें कही है, एक तो इंटीग्रेशन कोर्स के बारे में आपने कहा है और दूसरा एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में। तो एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में आपने ये भी कहा है कि हमारे विश्वविद्यालयों को, जो हमारे प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, इनको आसपास का जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कृषि, क्योंकि एग्रीकल्चर मूल कृषि पर आधारित हमारा पाठ्यक्रम होता है, तो इसमें आपने जो बात कही कि हम आसपास के गांवों को उसमें जोड़ सकते हैं, उसका डेवलपमेंट करवा सकते हैं, तो ये आपका जो सुझाव है बहुत ही सराहनीय सुझाव है। राजस्थान के हमारे जो गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हमारे कुलाधिपति महोदय के द्वारा ये निर्देशित किया गया है, राज्यपाल महोदय के द्वारा, कि हर विश्वविद्यालय कम से कम दो गांवों को गोद ले और उन गांवों का डेवलपमेंट विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करवाएं। तो उसकी वजह से राजस्थान के बहुत सारे गांवों का कायाकल्प हुआ है और उसकी वजह से न सिर्फ वहाँ डेवलपमेंट हुआ है बल्कि एजुकेशन को बढ़ाने का काम भी उन यूनिवर्सिटीज़ ने उन गांवों में किया है और वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के छात्र जो है इस विश्वविद्यालय से सीधा जुड़ने की वजह से वो आगे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज की आपने जो बात, जो सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से इन सुझावों पर भी सरकार के द्वारा अमल किया जाएगा और डिजिटल ई कंटेंट्स अभी वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, आज हमारे विद्यार्थी एकमात्र माध्यम है वो ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम का, अपने सिलेबस का पूरा अध्ययन कर सकता है, अपने शिक्षकों के अपने पढ़ाई कर सकता है। तो अभी पिछले 3 महीनों में राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा, उनके शिक्षकों के द्वारा बड़ी संख्या में ई कंटेंट्स बना करके, ई लेक्चर बना करके अपलोड किए जा रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि एक ऐसा स्टेट लेवल का पोर्टल डेवलप किया जाए जिस पर तमाम, न अभी वर्तमान में हमारा पोर्टल है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का, उस पर हमने अलग अलग कॉलेजेस के शिक्षकों की तरफ से तैयार की गई सामग्री को डाला है, लेकिन इसको और ज्यादा डेवलप करके और हमारे सभी विश्वविद्यालय, चाहे निजी क्षेत्र के हैं चाहे हमारे राजकीय क्षेत्र के हैं, सबका जो मटेरियल है उसको एक प्लेटफॉर्म पर डालने का आपने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव पर भी, क्योंकि वर्तमान समय की आवश्यकता हो गई है, ऑनलाइन एकमात्र सहारा हमारा ऑनलाइन है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो घर बैठे ये महसूस नहीं करे कि हम एजुकेशन से कट ऑफ हो गए हैं। तो ये ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये संभव है और स्टेट लेवल पर जो आपने जो प्लेटफॉर्म बनाने का, पंकज गर्ग जी ने जो सुझाव दिया है वो एक अच्छा सुझाव है और विद्यार्थियों में जो सामाजिक कार्य करने की जो भावना जागृत करने की आपने जो बात कही है, विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ उसमें मानवीय दृष्टिकोण हमारे विद्यार्थियों में, छात्रों में हम बचपन से ही स्कूल और कॉलेज से डालेंगे तो जीवन में आगे बढ़ करके एक अच्छा मानव बन सके, उस सोच को हमने बढ़ावा देने के लिए आनंदम कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। ये पहला साल है, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को हमने निर्देशित और निवेदन भी किया है कि इस आनंदम पाठ्यक्रम को एक आवश्यक समझते हुए उसमें शामिल करें और आनंदम का जो हमारा मूल थीम है उसमें ये विद्यार्थियों को किसी की मदद करनी है, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति वो सड़क के किनारे खड़ा है उसको रोड क्रॉस करवाना है, किसी गरीब की मदद करनी है, किसी जरूरतमंद की मदद करनी है, तो वो जो एक्टिविटी करेगा उसको उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम, हमारे जो रिजल्ट है या हमारा जो उसमें ग्रेडिंग का हमने एक सिस्टम किया है तो उससे विद्यार्थियों में
सेवा की भावना आएगी। सेवा की भावना विद्यार्थियों में आज के समय में आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और गर्ग साहब ने जो बात कही है निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ जीवन में मानवीय दृष्टिकोण को भी अपनाए और वो एक अच्छा और एक सफल इंसान बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। बिल्कुल सही सर, इससे एक अच्छी दिशा भी मिलेगी समाज को। ओमकार बगारिया साहब हैं, सीईओ हैं विवेकानंद विश्वविद्यालय के। सर आप भी सवाल मंत्री जी से सीधा पूछ सकते हैं, आपके अगर पास कोई सवाल है या आपका भी कोई डाउट है तो पूरे मामले पर। सर मैं सबसे पहले तो मंत्री जी और राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस फेज में बहुत जल्द निर्णय लिए हैं और सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी है। मेरा एक ही सुझाव है सर कि राज्य में आज करीब करीब 21 विश्वविद्यालय हैं हमारे यहाँ। अगर टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा बच्चा है जो कि एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है और जैसा देश भर में भी चल रहा है मेरे ख्याल में राज्य सरकार को आगे बढ़कर उद्योग विभाग और बाकी जितने भी विभाग जहाँ से MSME और ये जो है इनको लेके इनकी समस्याओं का समाधान अगर हमारे बच्चों के साथ मिलकर करें, एक हम ऐसे कम्युनिटी इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाएं। राज्य भारत सरकार की तरफ से विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी अलॉट हुआ है अभी रिसेंटली, ये कोविड की इस फेज के दौरान ही हुआ है। तो ऐसे अगर कोविड इनोवेशन सेंटर अलग अलग विश्वविद्यालयों में बनाएं और हम सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को साथ लेकर और हमारे जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को साथ लेकर अगर शिक्षा विभाग ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाता है जहाँ इन समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि अब कोविड के बाद इंडस्ट्री की भी काफ़ी समस्याएं नई उजागर हुई हैं और मेरा ये मानना है कि हमारे राजस्थान के विद्यार्थी और हमारे शिक्षाविद इसको सॉल्व करने की पूरी क्षमता रखते हैं तो हम एक नए तरह का मार्केट और इनोवेशन कल्चर राजस्थान में बना पाएंगे और इससे राजस्थान की ग्रोथ भी होगी और हमारे यहाँ देश और विदेश से छात्र पढ़ने भी आएंगे क्योंकि इस टाइप का कल्चर जो है सिलिकन वैली या बेंगलोर जैसी एरियाज में ही है। राजस्थान अभी राजस्थान को इस फेज में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से, अगर ऐसा कुछ किया जाए आगे आना है और अगर इसी टाइम पे ऐसा कुछ निर्देश आता है या इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म बनता है तो सभी विश्वविद्यालय सबके लिए फायदा होगा और बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए फायदा होगा। बिल्कुल सही सर, और प्लेसमेंट और बाकी जो समझ गया सर, सवाल समझ गया सर। मंत्री जी जवाब इसका। हाँ संजय जी, बगड़िया साहब ने जिस प्रकार से बताया कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिनका इस विश्वविद्यालय के माध्यम से भी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के लिए समय समय पर आयोजन करवाए जाते हैं और आपका जो सुझाव है कि तकनीकी शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान में बड़ी संख्या में अध्ययनरत हैं और इन विद्यार्थियों को का प्लेसमेंट किस प्रकार से हो, जब ये डिग्री लेकर के अपने विश्वविद्यालय से अपने कॉलेज से निकले तो उससे पहले कैंपस प्लेसमेंट हम किस प्रकार से करा सकते हैं, उनको रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो इस दिशा में आपने जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात कही है, हमारे जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उन तमाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ बात करके और हमारे चूंकि अभी रोजगार के अवसर कोरोना की इन परिस्थितियों में जो लोग एम्प्लॉयड थे उनके रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, आज इंडस्ट्रीज की स्थिति भी खराब हुई है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में हमारे पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे विद्यार्थी। तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ बात करने की आपने जो बात कही है, आपका जो सुझाव है हमारे उद्योग मंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेशन करके और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं चाहे वो टेक्निकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं या MBA करने वाले विद्यार्थी हैं तो इन विद्यार्थियों को हम ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट करवा सके इसके लिए। हालांकि सर एक स्टूडेंट विश्वविद्यालयों की पॉलिसी होती है, मुझे लगता है पहले बगारिया साहब मैं शायद अगर सही टर्म यूज कर रहा हूं तो बोलिएगा,
स्टूडेंट एक्सचेंज पॉलिसी होती है जिसमें यहाँ के बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटीज में बाहर भेजा जाता है, वहाँ के बच्चों को यहाँ लाया जाता है। इससे ये होता है कि दूसरे जगहों को कल्चर को समझने का मौका मिलता है और एक एजुकेशन का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज होता है, या कहा जाए कि बाहर की स्थिति को हम भी समझ पाते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आपका उसमें भी मेंशन था, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इसका जवाब मंत्री जी से। हाँ, निश्चित रूप से हमारे देश भर के और देश से बाहर के विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज में आपस में आते हैं, अपने कार्यों के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, रोजगार के बारे में पूरी चर्चा भी करते हैं जी। अभी थोड़े समय पहले ही हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की करीब 100 बड़ी कंपनियों को हमने इन्वाइट किया था और 3 दिन का हमने एक प्लेसमेंट का मेले के जैसा आयोजन किया था और उसमें बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों का मौके पर ही यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हमने उनको रोजगार दिलाना, उनके प्लेसमेंट का करीब 3500 प्लेसमेंट उस समय हुए थे। तो ये प्रयास सरकार के द्वारा लगातार जारी रहेंगे। हाँ। और कोरोना की इन परिस्थितियों में, बदली हुई परिस्थितियों में, हमें ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि अब फिजिकली हम इस तरह के आयोजन नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा कर, ये जो सुझाव है, जो समस्या है, थोड़ा सा ये है कि स्थिति संभल जाएगी, सुधर जाएगी, तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, अंकित अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, सर डायरेक्टर हैं गीतांजलि विश्वविद्यालय के। अंकित जी, आप भी अपना सवाल या अपना सुझाव कोई हो तो सरकार से, मंत्री जी से साझा कर सकते। नमस्कार मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रही है और स्टेट गवर्नमेंट ने और आपकी मिनिस्ट्री ने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं इसको पूरा करने के लिए। मेरा सवाल ये था कि आज तक ये देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या ज्यादातर गवर्नमेंट्स ने डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट नहीं किया है, सरकारी जॉब्स के अंदर भी प्रमोट नहीं किया है, पर एक कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगता है कि डिस्टेंस लर्निंग एक न्यू नॉर्मल होने वाला है। तो क्या हम एक रेगुलर क्लासेस और डिस्टेंस लर्निंग को एक सेम प्लेटफॉर्म में देखने वाले आने वाले समय में, या उसको हम फिर भी एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं? बाड़ी साहब, हाँ, अंकित अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से बताया कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई राजस्थान के आम जन के सहयोग से जी, उसमें राजस्थान ने अपनी एक अलग पहचान पूरी देश और दुनिया में बनाई है। इसमें चाहे मीडिया की बात करें, चाहे हमारे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे हमारे चिकित्सक, हमारे पुलिस के जवान, सब लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना के खिलाफ राजस्थान में एक अच्छी लड़ाई लड़ी है और इसमें सब लोगों का सहयोग भी रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में COVID-19 के तहत इन परिस्थितियों में मदद की जाए, सरकार के सोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन एकदम कम हो गया था पिछले 3 महीनों में, तो राजस्थान के हर वर्ग के लोग, भामाशाह, आम आदमी खुल करके आगे आया मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, तो उस बात को भी हकीकत में लागू किया और जरूरतमंद व्यक्ति की हर जगह मदद की गई। और राजस्थान में जहां पहले दिन एक भी जांच कोरोना की नहीं होती थी, आज 40,000 जांचें राजस्थान में प्रतिदिन करने की कैपेसिटी राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री और सब लोगों के प्रयास से हुई है। और जहां तक हमारे विश्वविद्यालयों की बात है, हमारे गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज, हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोविड के इस अभियान में एक एक कर्मचारी से लेकर इनके जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सब लोगों का सहयोग रहा। जयपुर के, मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा कैंपस कोविड को लेकर सरकार को पूरा समर्पित कर दिया और बड़ा सहयोग रहा। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि हर तरह से सभी शिक्षक समुदाय का, सभी विश्वविद्यालयों का सहयोग रहा। और जहां तक आपने डिस्टेंस लर्निंग की बात कही है, तो ये एक कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में हमें एक चुनौती भी है, उसके साथ साथ हमें एक अवसर के रूप में भी हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज नहीं आ सकते,
तो वो घर बैठे पढ़ सके, ऑनलाइन पढ़ सके, डिस्टेंस लर्निंग लर्निंग के माध्यम से पढ़ सके, क्योंकि अब ये परिस्थितियाँ कोरोना को लेकर ही उत्पन्न हुई है, तो डिस्टेंस लर्निंग की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है, ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन टीचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो आपका जो सुझाव है डिस्टेंस लर्निंग का, उस पर भी सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि ठीक है सर, पूरा विधि सम्मत और हम पूरा परीक्षण करवा करके ठीक निश्चित रूप से इस पर निर्णय किया ठीक है सर। हमारे साथ डॉक्टर विनायक कुमार चांदना साहब हैं, प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के। डॉक्टर विनय कुमार जी, आप भी अपना सवाल मंत्री जी से पूछिए, अगर कोई विचार है, कोई आपके पास सुझाव भी है तो मैं चाहूंगा कि वो भी साझा करिए, ताकि सरकार को भी थोड़ी राहत मिल जाए या फिर कोई आइडिया मिल जाए, क्या पता इससे सबका भला हो जाए।